आओ, ये कलर दोस्तों काफी प्रीमियम है, शाइनिंग शाइनिंग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बाकी दोस्तों अगर मैं आपको नहीं बताऊं कौन सा है, तो आप आइडेंटिफाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मी 10T प्रो है और कौन सा मी 10T है। ये एग्जैक्टली सेम टू सेम है यहाँ पर दोस्तों। इंडिया में मी 10T और मी 10T प्रो दोनों को ही लॉन्च किया है, लेकिन ग्लोबली यहाँ पर मी 10T लाइट भी लॉन्च हुआ है। फिलहाल लाइट तो दुबई में भी नहीं आया, मी 10 प्रो को तो हमने अनबॉक्स कर ही लिया है, अब मी 10 को भी देख लेते हैं। बॉक्स हमें यहाँ पर व्हाइट कलर का देखने को मिलता है, जबकि मी 10T प्रो का बॉक्स ब्लैक कलर में है। 5G की ब्रांडिंग यहाँ पर लिखी गई है, मी 10T को यहाँ पर मेंशन किया गया, बैक साइड में कुछ भी नहीं है। कौन सा वेरियंट है ये हम देख लेते हैं। कैमरा फोकस दोस्तों, जो कलर है हमारे पास वो लूनर सिल्वर कलर, 6GB की रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज। बॉक्स को खोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, 10 10 10 10 10, क्या बात है भाई, क्या बात है। ऊपर डिजाइनेड बाय Xiaomi का एक कवर है, हटाते हैं और यहाँ पर रहा मी 10T। निकालते हैं इसको बॉक्स से बाहर और यहाँ पर दोस्तों आप सारे स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। 64 मेगापिक्सल है दोस्तों, यहाँ पर 108 नहीं है। रिफ्रेश रेट यहाँ पर सेम है 144 हर्ट्ज का। स्नैपड्रैगन भी यहाँ पर सेम है जो प्रो में देखने को मिलता है, मी 10T प्रो वो है यहाँ पर 865। 5000 की बैटरी दोस्तों, ये भी ठीक है। और 33W यहाँ पर काफी सिमिलैरिटी है सिवाय कैमरे के। अब दोस्तों इस रैपर से हम निकालते हैं बाहर बड़े ही आराम से। वाओ, ये कलर दोस्तों काफी प्रीमियम है, शाइनिंग शाइनिंग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जी हाँ दोस्तों, कलर के क्या तो कहने, ये कलर बहुत ही ज्यादा प्रीमियम देखने को लग रहा है हमें मी 10T के। स्टार्ट करते हैं हम, हल्का सा वाइब्रेट आया और ये आया मी का लोगो। ओके दोस्तों, यहाँ पर कंटेंट भी बिल्कुल सेम रहेगा। सिलिकॉन का केस देखने को मिलता है जो कि एक नॉर्मल सी क्वालिटी में है, और यहाँ पर पेपर वर्क्स हैं और यहाँ पर डोंगल दिया जाता है हेडफोन के लिए। यहाँ पर दोस्तों आप रेटिंग देख सकते हैं, 11W 3A 33W, टिपिकल दोस्तों टाइप सी की केबल देखने को मिलती है। ओके दोस्तों, वेलकम स्क्रीन आ गई और मैं आपको डायरेक्ट इसकी होम स्क्रीन में ले चलता हूँ। अब दोस्तों फिजिकल ओवरव्यू की बात करें, फिजिकल ओवरव्यू में ये बिल्कुल भी चीप नहीं लगता है, ये एकदम फ्लैगशिप लेवल का ही लगता है दोस्तों। फिजिकल में नो डाउट क्वालिटी है, यहाँ पर ग्लास बॉडी दी गई, यहाँ पर सभी कैमरे दिए गए हैं, कैमरे का डिजाइन सेम टू सेम प्रो जैसा ही रखा है, लेकिन यहाँ पर 64 का सेंसर दिया जाता है। वॉल्यूम अप एंड डाउन, पावर रॉकर भी है दोस्तों, ये फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। नीचे की साइड में दोस्तों आपको सिम ट्रे देखने को मिलती है, टाइप सी की कनेक्टिविटी, स्पीकर ग्रिल और यहां पर एकदम कुछ भी नहीं। ऊपर की साइड में आईआर ब्लास्टर को भी दिया गया है और दोस्तों एक माइक्रोफोन को भी दिया गया है। अब दोस्तों यहां पर सिम ट्रे देख लेते हैं, यहां पर ड्यूल सिम का ऑप्शन दिया जाता है, माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। ये आ गए दोस्तों हम इसकी होम स्क्रीन में। यहाँ पर प्राइसिंग ही सबसे बड़ा इशू है दोस्तों, यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी कम नहीं है। हाँ, एमोलेड नहीं है, उसके बाद भी डिस्प्ले क्वालिटी कम नहीं है, लेकिन प्राइसिंग जो है वो इंडिया में थोड़ी ज्यादा ही रखी गई है। प्लस पॉइंट दोस्तों जो इसका है, डिवाइस का दोस्तों प्लस पॉइंट है 865 का प्रोसेसर और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। ये प्लस पॉइंट दोस्तों ये दोनों है ही, यहाँ पर डिस्प्ले भी ओके सा हमें नजर आ रहा है, प्राइसिंग मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर रख दी है। तो फिंगरप्रिंट यहाँ पर स्लो नहीं है, फिंगरप्रिंट काफी स्मूथ देखने को लगता है, लेकिन जी हाँ, क्या आपको ये गवारा करेगा, आप 35,000 इंडियन रुपीस लगाएंगे और उसके बाद आपको इन डिस्प्ले ना मिलके साइड में मिले, क्या आपको ये चीज एग्री करती है, जरूर से बताना। बाकी फिंगरप्रिंट किसी भी तरह का स्लो देखने को नहीं लगता है। फेस अनलॉक मैं हूं बिल्कुल सामने, बिल्कुल फास्ट है, बिल्कुल भी दोस्तों यहां पर स्लो नहीं है, फेस अनलॉक जबरदस्त है, यहां पर फेस अनलॉक जबरदस्त। अच्छी चीज दोस्तों मैं ये देख रहा हूं, किसी तरह का कोई ब्लूटवेयर नहीं है, कोई ज्यादा एप्लीकेशन यहां पर डाउनलोडेड होके नहीं आया, सिर्फ फेसबुक और नेटफ्लिक्स दोस्तों यहां पर डाउनलोड होके रखी है। 144 रिफ्रेश रेट जो कि इसका की हाईलाइट है इस डिवाइस का, सीरियसली टच रिस्पॉन्स काफी बढ़िया कर देता है यहां पर।
अब दोस्तों आमने सामने रखते हैं हम मीट एंड टी प्रो को और मीट एंड टी को। जैसे मैंने पहले कहा है कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, एग्जैक्टली डिटो सेम टू सेम नजर आते हैं। साइड में यहाँ पर ब्लैक है और यहाँ पर सिल्वर है। उसके बाद वेट में किसी भी चीज़ में कोई भी डिफरेंट नहीं है दोनों में। बाकी दोस्तों अगर मैं आपको नहीं बताऊं कौन सा है, तो आप आइडेंटिफाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मीट एंड टी प्रो है और कौन सा मीट एंड टी है। ये एग्जैक्टली सेम टू सेम है यहाँ पर। बाकी दोस्तों कैमरा इसका भी कमाल का होने वाला है मीट एंड टी का। और यहाँ पर गिम्बल टाइप का मोड आजकल सभी शाओमी के फोन में बेसिकली आ ही रहा है। काफी स्मूथ लगता है कि आपको वीडियो शेक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। मैं अब इसके कुछ सैंपल लेके आता हूं, आप जाना नहीं। क्वालिटी की बात करें दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा है कि मुझे कैमरा काफी पसंद आया है। यहां पर आप क्लैरिटी देखिए, मुझे मैं यही कह रहा हूं कि कैमरा अच्छा है यहां पर, कुछ चीजें अच्छी नहीं है यहां पर। उसके बाद अगर हम यहां पर 64 से जूमिंग करते हैं तो डिटेलिंग यहां पर दोस्तों काफी दमदार है। वीडियो की बात कर लेते हैं तो रेयर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ जूमिंग कर लेते हैं। क्लैरिटी बिल्कुल भी लूज नहीं हुई है यहाँ पर, मुझे क्लैरिटी काफी सही नजर आ रही है। बिल्कुल कैमरा मैं कहूंगा मुझे काफी इंप्रेस किया है। जी हाँ दोस्तों, कैमरे ने मुझे काफी इंप्रेस किया है। कुछ सेल्फी वीडियो की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक दो सेंसर है 108 के अलावा, बाकी कैमरा मुझे सेम टू सेम लगा है यहाँ पर। किसी तरह का कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा फर्स्ट रिएक्शन मीट एंड टी प्रो का। और मीट एंड टीम में यहाँ पर एक सेंसर 108 मेगापिक्सल का अगर हटा देते हैं, उसके बाद कैमरे में कोई भी फर्क नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ कोई भी फर्क नहीं है दोस्तों। ये रेयर की तरफ में, रेयर की तरफ से ये पोर्ट्रेट मोड है और क्लैरिटी आप यहाँ पर क्लीनली देख सकते हैं। और दोस्तों ये पोर्ट्रेट मोड है सेल्फी के, और दोस्तों ये पोर्ट्रेट मोड है यहाँ पर सेल्फी की तरफ से। यही कुछ था दोस्तों अनबॉक्सिंग वीडियो में। मुझे बिल्ड क्वालिटी और मुझे कैमरा काफी दमदार लगा है, फिंगरप्रिंट काफी दमदार लगा है, बट वो साइड में है वो थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाता है। उसके बाद रिस्पांस जो है 144 हर्ट्ज का वो दमदार है। क्या होगी प्राइस दोस्तों? प्राइस दोस्तों दुबई में रखी गई है ये 1600 ना मैडम, 1600 तो इंडिया से दुबई में लगभग 2000 प्राइस कम है। यहाँ पर 34,000 का दुबई में रिटेल में देखने को मिल रहा है। कुछ टाइम में प्राइस और भी कम हो जाएगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर जनता, लाइक तो बनता।